Hey, hi all, welcome back in my new video and today I am here with another success story of All India rank holder AIR 49 Amresh Majhi here with me, and he secured All India rank as well as he secured his first job in CMA campus placement in the ITC Tobacco, and he got a position of assistant manager with 12 LPA, so one of the biggest achievement in his life also. और लाइक अगर बात करूँ अमरीश का तो वी ऑलरेडी कनेक्टेड फ्रॉम लास्ट 2 to 3 months. आई थिंक आफ्टर एग्जाम अमरीश कनेक्टेड विथ मी एंड देन वी स्टार्टेड प्रिपरेशन. एंड ITC टोबैको इंटरव्यू इज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन CMA कैंपस प्लेसमेंट एंड ही क्रैक द एग्जाम क्रैक द इंटरव्यू सॉरी. सो नाउ अमरीश, हाउ इज योर फीलिंग? Yeah, it's like amazing in one shot. ग्रेट. सो जब ITC ने आपको ऑफर लेटर दिया, लाइक हाउ वाज योर फीलिंग? कैसा लग रहा था उस समय? एकदम मतलब जो होता है ये फर्स्ट टाइम जॉब सिक्योर करना, और सबको पता है कि ITC टोबैको का जॉब मतलब इंटरव्यू जो होता है बहुत हार्ड होता है, तो उस जगह पे क्रैक करने के बाद जब बोले के यू आर सिलेक्टेड इन टोबैको, तो इट्स लाइक ए डिफरेंट लाइक अनएक्सप्लेनेबल थिंग हो जाता है कि अंदर से अलग ही फील हो रहा है कि कैसे तू ये बोले कर कैसे रही. उसको एक्सप्रेस करे, राइट? अच्छा, जब ऑफर लेटर मिला उसका मेरी याद आई थी. एग्जाम पहला कॉल आपको ही किए कि भैया ऐसा हुआ है. ग्रेट. सो लाइक अच्छा, मेरा जो कंप्लीट जो कैरिकुलम था आपके लिए, सो लाइक इट कंप्लीटली हेल्प्ड यू क्रैक द इंटरव्यू? यस, तो जो बेसिकली मैं तो आपके साथ आफ्टर एग्जाम मैं कनेक्ट कनेक्ट हो चुका था, तो उस टाइम से लेके अप टू एग्जाम अप टू कैंपस प्लेसमेंट तक आपका जो गाइडेंस एंड सपोर्ट मिला बहुत बहुत हेल्पफुल है. मैं ये कहूंगा कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया मेरे इस इंटरव्यू कैंपस जो प्रोसेस था उसमें, क्योंकि होता है कि जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं उससे पहले ड्यूरिंग द 1 month बहुत क्वेरीज रहते हैं, अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, वो हुआ तो क्या करेंगे, ये सब रिजॉल्व करने के लिए किसी को होना था. वो जो जगह आपका था आप एकदम 100% दिए, और आपका जो मोर डेडिकेशन था हम लोगों के ऊपर जितना कंट्रीब्यूट ये किए, जैसे अप टू डेट रखना कैसे क्या करना है, आपका जो डेडिकेशन था हम लोग को बहुत मोटिवेट किया. मुझे भी अभी भी याद है आप 11 या 12 बजे के आप वक्त आप एक पीडीएफ बोले थे कि ये अपडेट हो गया. हम उस टाइम सोच रहे थे कि आफ्टर हम लोगों के पास होने के बाद आप ये सब कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है. आपसे भी मोटिवेशन मैं लिया हूँ कि आफ्टर फुल डे ऑफ जॉब उसके बाद ये करना, तो लाइक मोटिवेटेड नहीं है एज अच्छा अमरीश, लाइक आपने पहले कभी मेरी सक्सेस स्टोरीज वाली वीडियोस देखी थी, लाइक मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म? हाँ. मैं तो जैसे मेरा एक फ्रेंड था जैसे पर्सन जी, उसका तो मैं देखा था. उससे पहले मैं आपके साथ 2019-20 के अराउंड मैं आपके यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करता था, आपको ऐसे देखता रहता था क्या आ रहा है, जैसे आप अपडेट देते रहते थे टाइम टू टाइम, वो सब भी मैं देखता रहता. उस टाइम बहुत रेलिवेंट था. बेसिकली बोला जाए कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं एक फॉर्म फिलअप करने जा रहा था, वहां पे मुझे दिक्कत आ रहा था, एक्चुअली वो फॉर्म यूजेबल नहीं था. आपको मैं वीडियो देखा उसमें पता चला नहीं ये वीडियो में ये करेक्ट है, जो वैल्यूएबल वीडियो होता है वो उस टाइम मुझे मिला था. तो उसके बाद से मैं आपको फॉलो करने लगा, तो आफ्टर क्लियर होने के बाद तो आप तो आपके साथ तो कनेक्शन में तो आ ही गए. कभी ये सोचे थे कि मैं भैया के साथ अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करूंगा? ये तो नहीं मतलब एक्सपेक्ट किया नहीं था कि एकदम रिकॉर्ड होगा, बट फॉर्चुनेटली हो रहा है. मैं भी बहुत खुश हूँ. मतलब मेरा जब मेरा फ्रेंड का हुआ था तब मुझे भी लग रहा था मैं भी किसी ना किसी दिन आऊंगा, मैं भी एक कुछ करूंगा, कर पाऊं तो यहाँ आऊंगा, वो भी एक मोटिवेशन रहता है. अच्छा, मैं आप सबको बता दूं, अमरीश का ऑल इंडिया रैंक 49 आ रखा है सेमीफाइनल, आई थिंक
अभी शायद मैंने स्टार्टिंग में बोला या नहीं बोला, मुझे याद नहीं है। सो अमरीश, हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी। लाइक आपने सीएमए कैसे ज्वाइन किया? आपने 12th ज्वाइन किया था या आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन? बेसिकली मैं सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया आफ्टर विद ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं डायरेक्ट एंट्री के रूट थ्रू मैं सीएमए में एंटर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट क्लियर किया, उसके बाद फाइनल में आए, ट्रेनिंग इंटेंसिव ये सब होता है, उसके बाद फाइनल दिए, फाइनल में ऑन स्पॉट बोथ ग्रुप निकाले विथ ऑल इंडिया रैंक। ग्रेट। सो लाइक आपने इंटर भी वन शॉट क्लियर किया, बोथ थ्रू फाइनल भी वन शॉट बोथ थ्रू आपने क्लियर किया, आपने बीच में दो इंट्रेंसिप भी की, सी फॉर्म में की, प्लस पीएसयू में भी आपने इंट्रेंसिप की। एमएस क्या कंपनी का नाम था जो पीएसयू में था? एमएसटीसी एमएसटीसी लगा के एमएसटीसी में आपने इंट्रेंसिप की। सो लाइक हर एक चीज परफेक्ट थी आपके लाइफ में, राइट? जैसा मतलब किसी का भी एक ड्रीम हो सकता है कि मेरा वन शॉट इंटर हो, वन शॉट फाइनल हो, पीएसयू में इंटर्नशिप हो, कुछ बच्चे सीए फॉर्म में भी करना चाहते हैं, तो आपने दोनों ही कर डाला, ठीक है? तो ये सारे चीज के पीछे कहीं ना कहीं कोई मेंटरशिप आपके लाइफ में मे बी रहा हो, या फिर आपको सेल्फ गाइडेंस मिला था, तो कैसे आपने ये सारी चीजें की अपने लाइफ में? जैसे मेरा इनिशियली जो सीएमए का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस था, तो मेरा एक सीनियर था जो पर्टिकुलरली सीएमए में ही कर रहा था, उसका नाम था अमियो माइती। मैं उसका वो एज ए सीनियर हम लोग को, नॉट ओनली मी, हम लोगों के साथ और दो तीन जन दोस्त थे, हम लोग को बहुत मोटिवेट किया एंड कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना दूर तक पढ़ना है। एज ए टीचर की तरह वो हम लोग को गाइड किए इंटरमीडिएट तक, उसके बाद फाइनल एज वेल फाइनल, कहाँ से क्लास लेना है, कहाँ से कौन सा टीचर से क्लास लेना है, क्या करना है, कब कैसे करना है। एक होता है कि टीचर की तरह जैसे समझा के ऐसे करना है, ऐसे करना है करके हम लोगों को समझा के, हम लोग उस हिसाब से डायरेक्शन में काम भी किए, तो वन शॉट क्लियर भी हो अच्छा, गया। लाइक उन्होंने जैसे आपको गाइडेंस दिया, अब मुझे आपसे ये जानना है कि लाइक बोथ ग्रुप की एग्जाम के टाइम में स्टडी करना, रिवीजन करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि 8 सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है, पेपर भी 8 दिन कंटिन्यू होते हैं, तो पहला दिन पेपर और लास्ट दिन के पेपर में काफी गैप भी हो जाता है, तो वो सारी चीजें लाइक कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हैम्पर हो जाते हैं और बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे आ जाता है कि नहीं यार मेरे से बोथ ग्रुप नहीं होगा। तो उस टाइम पे जो मेंटली प्रेशर होता है वो कैसे आपने हैंडल किया? हाँ बेसिकली होता क्या है कि जो हम लोगों का एग्जाम होता है वो कंटिन्यूअस बेसिस में होता है, उस टाइम बहुत क्रूशियल टाइम होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। मेरे लिए भी बहुत टफ सिचुएशन था, क्योंकि 8 दिन 8ों सब्जेक्ट रेगुलर बेसिस में देना, ये नॉट एन इजी। उसके लिए मैं बोलूंगा हर एक चीज के लिए प्रैक्टिस करना होगा, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मैं क्या किया था अपने टाइम में, 4 साल का 4 टर्म का पेपर पूरा एकदम कॉपी जेरोक्स कॉपी निकाल लिया था, उसके साथ हर एक एक दिन में 8 दिन का पूरा कंटिन्यूअस बेसिस में एग्जाम घर में बैठ के देता, उसको मॉक टेस्ट पेपर के साथ इवेल्युएट करता था मेरा कहाँ लैकिंग हो रहा है, इंस्टीट्यूट कैसे मांग रहा है आंसर, और हम कहाँ कैसे गलती कर रहे हैं, ये सब चीज हम खुद से इवेल्युएट करते थे। जैसे कि मुझे पता चलता है कि हाँ मुझे इतना ही तक लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, हाउ टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल, ये भी बहुत हेल्पफुल हेल्प रहा मेरे लिए वो प्रैक्टिस करना। और जैसे कि कैसे रिवीजन करें, रिवीजन प्रोसेस में यही बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट का हर एक चैप्टर हर इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट होता है, पहले फाइंड आउट करना होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड मीडियम एंड लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर, 3 कैटेगरी ABC में डिवाइड करना है। उसके बाद जो ई कैटेगरी का चैप्टर होगा उसको कब जब भी रिवीजन हो उसको पहले रिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन ए कैटेगरी चैप्टर, उसके बाद बी, उसके बाद सी। जैसे मैं इस थॉरो वे में मैं काम करता था, तो मेरा क्या होता था जो इन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे लिए बहुत इजी रहता था, मैं जब भी एग्जाम हॉल में गया हूँ मेरा जो इजी इजी जो आता था मैं फटाफट करके, लास्ट के तरफ थोड़ा टाइम भी बच जाता था, थोड़ा बहुत कुछ कुछ सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा टाइम भी बच गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक बेसिकली लाइक लॉ का पेपर एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग पेपर होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए भी क्या लॉ का चैलेंजिंग पेपर था इंटर फाइनल दोनों में? एकदम
एकदम एकदम मेरे लिए भी बहुत टफ सिचुएशन ये था सब्जेक्ट था, बट उसको उसके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि उसको हर दिन कुछ पोर्शन ऑफ टाइम निकालो, उसको हर दिन दो, हर दिन मैं उसको, जैसे मेरे लिए इनिशियल स्टेज में बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं हार्ड ही था मेरे लिए, तो मैं उसको हर दिन टाइम देता था, हर दिन एक टाइम उसके लिए एक टाइम फिक्स्ड रहता था कि मुझे इस टाइम पे यही पढ़ना है और इसको ही पढ़ना है, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहना। मेरा सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट रिवाइज हुआ है वो लॉ का ही हुआ है, क्योंकि उसको मैं मल्टीपल टाइम पढ़ता रहता था। और लॉ के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जानना और लिखना वो में बहुत डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि हम जो लिख के आ रहे हैं उस हिसाब से इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर में उस हिसाब से लिखा हुआ है कि नहीं, वो भी एक बार चेक वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एग्जाम चेकर होते हैं उन लोगों के पास वही कॉपी जाते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे। ओके okay. अच्छा इंटरेस्टिंग ये है लाइक जब आपने पेपर दिया एंड देन आपने जैसे पीएसयू में इंटर्नशिप किया, आपने फॉर्म में भी आपने इंटर्नशिप किया है, तो लाइक आप क्या पीएसयू में अच्छा लगा और क्या आप फॉर्म में अच्छा लगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप? बेसिकली इनिशियल स्टेज में जो मेरा फॉर्म का एक्सपीरियंस था अच्छा था, वहाँ पे अच्छा खासा काम सीखने को मिला, लेकिन जो पीएसयू में जाने के बाद जो रियल वर्ल्ड काम कैसे होता है, जो बिजनेस काम कैसे करते हैं, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वहाँ पे जाके मतलब हाथ के सामने देखने को मिला कि नहीं ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे डिसीजन मेकिंग होता है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है तो कैसे मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं, ये सब चीज भी हम वो सब जब इन्वॉल्व हुए वहां जाके ये सब आंखों सामने देखने को मिला। ग्रेट। तो लाइक ड्यूरिंग आफ्टर क्वालिफाइंग और आपके पास रैंक भी था, बट कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो आपको कैंपस के लिए करना था, राइट? तो किस तरीके से मेरा कोर्स कैरिकुलम आपके कैंपस प्लेसमेंट में आपको सपोर्ट किया? जैसे मैं बोलूंगा आपका जो कोर्स था, मैं तो आफ्टर फाइनल के बाद आपके साथ ही ज्वाइन हो चुका था, तो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था वो भी आपके आपके साथ ही जुड़ा हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, तो वो मुझे रेफर किया कि नहीं ये राइट प्लेस है, राइट प्लेस में जाओ, अच्छा सा ये है करो, तो हम उस हिसाब से किए। और जाने के बाद कुछ दिन जब आपका क्लास किए तो इट्स अमेजिंग जो होता है कि ना कि होते होते एक एवेल्युएशन होना कैंपस हो रहा है, कैंपसिंग के साथ जो वैल्युएशन, ये जो एआई टेक्नोलॉजी एआई का कैसे यूज करना है, कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना अच्छा है, वो नौकरी प्रोफाइल को कैसे, एआई वाला सारा नॉलेज यहाँ मत शेयर करना, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बट डोंट शेयर ऑल माय सीक्रेट्स, ओके? इट्स ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, ओके? सो या यू कैन कंटिन्यू, हाँ ओके यू कैन कंटिन्यू। हाँ ये सब जो पॉइंट होता है वो बहुत हेल्पफुल रहा। और ड्यूरिंग द कैंपसिंग प्लेसमेंट बहुत सारा क्वेरी रहता है जो आपने बहुत अच्छे से गाइड किए और पिन टू पॉइंट पॉइंट आंसर हुआ, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन था, जो हम लोग कोप अप कर पाए, क्योंकि हर एक टाइम में बहुत सारा क्वेरीज रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब में आप एज ए मेंटर बहुत हेल्पफुल। अच्छा कहीं ना कहीं ऐसा लाइक कभी ऐसा मोमेंट आया हो कि लाइक आपको लगा कि मतलब यहाँ पे रोहन भैया या सर मेरे को सपोर्ट नहीं किए, कभी ऐसा कोई मोमेंट? नहीं मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि ड्यूरिंग दिस फेज मुझे कभी भी दरकार पड़ता तो अगर मैसेज में नहीं हो रहा है तो कॉल कर लेते हैं, कॉल ये जो आपका जो ये था कि डायरेक्ट कॉल, ये बहुत इफेक्टिव रहता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, ये जो पर्सनल गाइडेंस मिलता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो एक और अलग चीज है कि उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में बहुत हेल्प होता है, ये हम ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस में हम देखे हैं। ओके अच्छा जो मेरे नोट्स थे, जो मेरे लाइक ऑल दी मटेरियल्स थे, वो आपको कैसा लगा, पर्सनल लेवल पे कैसा लगा? नोट्स का तो एकदम परफेक्ट परफेक्ट वन, इजी लैंग्वेज इजी के साथ एकदम परफेक्ट वन है, ऑल्टरनेटिव कुछ देखना नहीं, अगर कोई बाद में अगर कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो यही बोलेंगे कि और एक्स्ट्रा कुछ करने का दरकार नहीं है, इसको अच्छे से रिवाइज करो, यही सब चीज है,
बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस एक बार रीड करो, एक दो बार रीड करो, एकदम बिंदास रहो, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ग्रेट। मिल रहा है एकदम परफेक्ट एंड एकदम एक्यूरेसी के साथ मिल रहा है, एकदम परफेक्ट। ओके सो आप, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग आईटीसी से पहले किसी और कंपनी में भी था आपका इंटरव्यू, या फिर आपका डायरेक्टली आईटीसी में ही आपने इंटरव्यू अटेम्प्ट किया था? मेरा तो फर्स्ट डे में जो भी कंपनी, जैसे गेल, आईटीसी और वेदांता, आईटीसी का डिफरेंट डिवीजन आ रहा था, तो मेरा हर एक में शॉर्टलिस्टिंग था, लेकिन मेरा प्रायोरिटी दो में ही था ज्यादा, बेसिकली गेल और आईटीसी में। तो ओके मेरा गेल में पहले इंटरव्यू दिए, उसके बाद आए यहाँ पे आईटीसी में, आईटीसी में आके दिए, तो इन लोग जो यहाँ पे ब्लॉक हो गए। हम लोग के इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर कोई सिलेक्शन पहले कर लेते हैं तो वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो आईटीसी ने सिलेक्ट किया, तो उसी टाइम मेरा ब्लॉक हो गया। अच्छा, आईटीसी में आपके कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे? ओके बेसिकली जीडी को छोड़ के मेरा 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू, पहले इनिशियल राउंड हुआ, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं उन लोगों के साथ इंटरव्यू हुआ। ओके अच्छा, कहीं ना कहीं ये सारे राउंड्स क्लियर करने में मेटेरियल आपके लिए सपोर्ट में कंप्लीट था, या कुछ और आपको लगता है कि मुझे मेटेरियल में और कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहिए जो फ्यूचर में और स्टूडेंट्स को और काफी हेल्प? नहीं, मेटेरियल एकदम परफेक्ट, वो दोनों ग्राउंड के लिए इंटरव्यू जो राउंड हुआ था उसके लिए हम यही प्रेफर करेंगे, जो मेटेरियल है वही परफेक्ट है। सो अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने आप सबको रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया था, आईटीसी का, आईटीसी के बारे में आज क्या अपडेट है, कल क्या अपडेट है, पिछले 3 महीने का क्या अपडेट है, हर एक कंपनी का मैंने प्रोवाइड किया था, तो क्या वो चीजें भी अच्छी थी आपके लिए इंटरव्यू में? एकदम एकदम, क्योंकि जो रियल टाइम बेसिस में जैसे कंपनी का एनालिसिस करना, उसका कैसे स्ट्रेटेजी बन रहा है, फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, जो शॉर्ट समरी मिलता था लोगों के ग्रुप में, उसी को पढ़ लो तो कंपनी का जिस्ट निकल जाएगा, और ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जो प्रोवाइड किया जा रहा है एकदम परफेक्ट है, बस उसको ओके फॉलो करना है, फॉलो करना है, बस वही काफी है, सफिशियंट। सो एनी सजेशन फॉर अभी पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आई थिंक आपका क्या सजेशन है अपकमिंग स्टूडेंट्स या फ्यूचर सीएमएच के लिए? फ्यूचर सीमे के लिए मैं यही बोलूंगा, अच्छे से पढ़ाई करो, पहले क्लियर कर लो, उसके बाद गाइडेंस का अगर दरकार पड़े तो रोहन भैया है ही, मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी रोहन भैया रहता है, तो मेरे मेरे तरफ से एक ही नाम निकलेगा, वो रोहन भैया। थैंक्स। तो डेफिनेटली, और प्लस ऐसा नहीं है कि टिल कैंपस तक ही मेरा गाइडेंस रहता है, अभी अभी इसके बाद भी आपकी जर्नी में आपका जो भी, आपको कहीं भी लगता है प्रसन्नजीत के बारे में, जैसे आप जानते हो तो प्रसन्नजीत का अभी मेरे को हर 2 दिन पे मैसेज आता है, भैया कैसे है, भैया क्या चल रहा है, तो स्टूडेंट एक ना दिल से कनेक्ट हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि मैं उनको वो यस प्रॉपर यस एक ऐसा फील देता हूँ कि यार मैं, जैसे होता है ना टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, क्लास तक है उसके बाद काम खत्म हो गया, मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा जो रिलेशनशिप बनता है वो पर्सनल लेवल पे बन जाता है, तो स्टूडेंट बिल्कुल प्रॉपर हो जाते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लगा बिल्कुल ड्यूरिंग द कोर्स? हाँ एकदम एकदम एकदम, ये हम तो एकदम 100% हम एग्री है, क्योंकि जो दिल से दिल तक का जो ये होता है, अटैच होता है, वो एकदम परफेक्ट था, क्योंकि जो डायरेक्ट जो आप गाइड करते थे वो हम लोग के लिए बहुत कॉन्फिडेंट बूस्ट करने में काम आता था ड्यूरिंग दैट टाइम एंड आफ्टर। तो अभी हो तो अभी भी हम लोग को अभी भी गाइड करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, इंटरव्यू हो गया फिर भी आप जैसे आपका डेडिकेशन है, तो सैमेज यही ओके बोलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, होप सो कि आप लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स थैंक लेते यू, रहो, एंड वी विल रिकॉर्ड योर स्टोरीज अगेन एंड अगेन, और मेरा पार्टी ड्यू है, ठीक है, रैंक एकदम एकदम, फाइनल वाला भी रैंक आया उसका भी, और प्लस आईटीसी का, तो होप सो कि हम किसी अच्छे लोकेशन पे मिले इन फ्यूचर, जब भी हम मिले। यस भैया।
थैंक यू सो मच भैया। ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस आपका जो वैल्यूएबल इंसाइट रहा वो मेजर कंट्रीब्यूटर मेरे सिलेक्शन प्रोसेस में था। तो मैं बाकी सबको भी अगर फ्यूचर में ये हुआ तो मैं डेफिनेटली आपका ज्वाइन जो कोर्स है वैल्यूएबल कोर्स है जो बाकी लोगों को पता नहीं है तो उसमें भी मैं बहुत हेल्प कर जितना हेल्प कर पाऊं मेरे लिए उतना कम होगा। यार डेफिनेटली देखो, मेरा ना बस एक ही टारगेट है कि आपके सक्सेस स्टोरी में ना पेन मेरा हो वो पेन लिखने वाला पेन मेरा हो, मेरे पेन से आपकी सक्सेस स्टोरी लिखी जाए, ठीक है। तो वो क्या है ना कि वो कभी मिटेगा नहीं, तुम लाइफ में कितना भी लाइफ में आगे चले जाओ, लेकिन ये जो मोमेंट है ना जो तुमने मेरे साथ इनिशियल स्टेज में बिताया है, वो लाइफ टाइम तक तुम्हें याद होगा। इसके बाद कितने लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जर्नी बहुत आगे तक जाएगी, तुम वो लोग को भूल जाओगे, लेकिन जो फर्स्ट होता है ना वो कभी नहीं इंसान भूलता, ठीक है। तो मैं उस तरीके से मैं पहला प्यार हूँ, ठीक है, फर्स्ट लव जो कभी नहीं भूल सकता है कोई भी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल 100% कंफर्म हूँ इस पॉइंट पे, बिकॉज जिस मोमेंट पे मैंने सारे स्टूडेंट्स को एकदम पॉलिश किया है और कैंपस में उनको वो सारी चीजें दिलवाई है, वो लाइफ टाइम तक उन्हें याद रहेगा कि कोई मेरे लाइफ में आया था जिसने ऐसा किया। हो सकता है कल को मैं रहूं या ना रहूं, नहीं पता, ठीक है, बट ये चीजें तो हमेशा के लिए रह जाएगी। सो एकदम एकदम भैया एकदम। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू भैया। टेक केयर भैया।